नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के बस स्टैंड पर और आपको बताना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति की जेब से 30,000 रुपये की राशि काट ली जाती है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुसाफिर है उनकी जेब से 30,000 रुपये काट लिए जाते हैं। ये मुसाफिर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ इनको जाना है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आप आ रहे थे, कैसे ये घटना घटित हुई? मैं लोड़ा गाँव से आया था जी। जी तो जी घरवाली की तबीयत खराब थी, इसका अल्ट्रासाउंड कराना था। तो थोड़ा पैसा के गुड़िया ने जोड़ रखा था, थोड़ी ना दिहाड़ी मेहनत कर गए तो उनके आ भाई कोई जेवर को देख का जे बा ठीक पाया तो एक आधा कान नाक का लिया मैं। तो जी मैं पैसे लिया था गाय लगा ना, तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने मिला बस में जी, इस कोने तक लग गए, इस कोने तक जी मैं पैसे कट लिए। तो पता नहीं चला आपको कौन लोग थे? पता नहीं चला जी। हाँ, कितने पैसे थे? 30,000। 30,000 थे तो पता ही नहीं चला से कौन कहां तक? ये उड़ला कुना जी बस है यू। यहाँ बस आवा आप पैदल थे? नहीं बस में था जी। कौन सी बस के अंदर थे? बस का नंबर क्या भी? नहीं, कहाँ से कहाँ रहे थे आप? मैं अलावले से करनाल थी। अलावले से करनाल? हाँ, बस में आ रहे थे? हाँ जी बस में। ये आपके आगे पीछे कोई था जिन्हें आपको जिसके ऊपर किसके ऊपर शक है जो बात थे कर जो सकड़े थे या बठिया दिए थे? मैंने लिया गया, मैं पकड़ गया, मैंने तलाशी दी, तलाशी नहीं देवे थे, बरूरा पुलिस वाले ने तलाशी करी तो ये जी कुछ नहीं मिला। तो अब आप चौकी पर आए हैं, यहाँ चौकी में आए हैं यहाँ करवाने के लिए शिकायत दर्ज? हाँ, चौकी में आया, मैं उन दो बंदे को लेकर आया, पकड़ के ले आया उनके बैग बुक उससे। हाँ, तो उड़ा चेक करे पुलिस ने। हाँ, मैं वहाँ उड़ा स्टाफ में चला गया, वो नंबर तो कुछ बरामद हुआ? उन पर कुछ बरामद नहीं हुआ। हाँ, कितने कितने उम्र के हैं वो लड़के? आपके साथ कौन था? मेरे साथ ये घर वाली थी। आप बताइए कैसे ये घटना घटित हुई, कहाँ से आप आ रहे थे? तो अचानक से पैसे जो है निकल के कट गए। क्या नाम है जी आपका? रेशमा। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए थे? आपने इतना पैसा लिया हुआ था, किस काम से जा रहे थे आप? लड़कियों के जेवरात बनाने थे। क्या करते हैं आप? क्या आप किसान हैं? किसान हैं आप? कुम्हार हैं, दिहाड़ी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम आपको हरियाणा के करनाल के बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन के दौरान जो है इसी तरीके का वाकया सामने आता है, लूटपाट की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरीके से कल भी जो है काफी लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, करनाल पुलिस ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया था और आप ये देख सकते हैं अब किस तरीके से एक और नई लूट की वारदात सामने आती है करनाल के बस स्टैंड से। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुराने बस स्टैंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं हम यहां पर जो हैं जो मुसाफिर हैं 30,000 उनके पास थे और ये 30,000 रुपये की राशि ये साथ में लेते हैं इसलिए ताकि इनकी जो बेटी है उनके जेवरात बनवा सकें। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेब को ही काट लिया जाता है। ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं, आप जेब दिखाएं, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जेब को काट लिया जाता है और फिर उसके बाद जो है नकदी उड़ा ली जाती है। और ये घटना कहीं और की नहीं है, करनाल के बस स्टैंड, जी हाँ, जो करनाल का बस स्टैंड है उसके सामने वाली जो सड़क है वहां की ये घटना है। आप बताएं कि आप भी इनके साथ थे? सर ये मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इनके साथ में तो नहीं था सर, मैं सर ड्यूटी पे था। हाँ। तो सुबह हाँ, सर इनका मेरे पास 10 बजे फोन आता है अभी। हाँ। कि ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना होगी। हाँ। तो सर मेरी ना 4 सिस्टर हैं। हाँ। 2 मैरिड हैं सर, 2 अनमैरिड अभी सर, उन्हीं की शादी थी अभी 6 महीनों के बाद। हाँ। तो अभी यही सोचा था कि थोड़ा थोड़ा करके उनके कुछ कुम वगैरह बनवा लेते हैं। हाँ। आगे दिक्कत ना आएगी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अभी से कर लेते हैं। तो रात से रात मम्मी की तबीयत भी काफी खराब थी। हाँ। तो यही सोचा साथ में इनका अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। हाँ। और वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत कुम वगैरह बनवा के ले आएंगे। हाँ। तो इसीलिए पैसे लेके आए थे, अलावला से सर करनाल के लिए आ रहे थे। अलावला कितनी दूर है यहाँ से करनाल? यहाँ से सर 28 किलोमीटर करनाल बस स्टैंड से। अच्छा जी। हाँ जी सर।
तो सर यहीं करनाल बस स्टैंड के बाहर, इनके मतलब पैसे थे बस स्टैंड के बाहर तक पैसे थे। तो कोई लोगों को पकड़ा है आपने? सर वो दो लोगों को पकड़ा था इन्होंने, मम्मी ने और पापा ने पकड़ा था। तो सर उनकी यहाँ पे पूछताछ वगैरह की, अभी तो सर जैसे यहाँ पे चौकी में पूछताछ की, उन्होंने बताया कि सर उनके पास तो कुछ नहीं है, मतलब सर अभी रिपोर्ट FIR वगैरह की है, जैसे ही करे कोई मिलता है बताते हैं आपको। सर मेरी तो यही विनती है सर, गरीब आदमी हम, हमारी थोड़ी कोई मदद करें, SP DSP सर, सर हमारी जल्दी से छानबीन। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमृत सिंह, अमृत अमृत सिंह। अमृत सिंह, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसाफिर जो है अपने घर से चलते हैं और किस तरीके से जो है करनाल के बस स्टैंड में 30,000 रुपए की लूट, जी हाँ 30,000 रुपए की लूट, जेब को काट लिया जाता है और 30,000 रुपए उड़ा लिए जाते हैं। इस संदर्भ में जो चौकी इंचार्ज है उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। और वहीं दूसरी ओर चौकी इंचार्ज SI सुरेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरी घटना घटी है? आज दोपहर को हमारे पास थाट सिंह नाम का व्यक्ति है, अलावला का, वो उसकी पत्नी उसके साथ थी, उसने हमारे को चौकी में आके सूचना दी कि मैं अलावला गांव से जो असम से करनाल रोडवेज की बस है उसमें आ रहा था, उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और मैं अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए करनाल आया, मतलब मेरी जेब में 30,000 रुपये थे जो किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर बस अड्डा से पहले ही बस के अंदर से जेब काट कर चोरी कर ली। देखने में क्या लग रहा है, किस चीज़ से कटा हुआ है वो आपने देखा होगा? उसमें कट का निशान है सर, कोई ब्लेड वगैरह से उसने जेब पे कट लगा के उसने निकाल लिया। तो क्या कार्रवाई हुई सर? उसमें कंप्लेंट दी है, उस पर कंप्लेंट पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और हर संभव प्रयास करेंगे इसको ट्रेस आउट करने के। तो सर कोई लड़के पकड़े भी है? नहीं, इन्होंने बस में ही दो लड़के पर सर जाहिर किया था, उनसे हमने पूछताछ की है। पब्लिक से क्या बात करें? पब्लिक से तो यही है, थोड़ा सा जागरूक पब्लिक हो खुद भी और डिस्टेंस बनाए रखें, भीड़ भाड़ के लिए मत जाएं और भाई कोई जैसे नकदी है तो उसको साथ लेके चलें तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें भाई और भीड़ में जाने से बचें, क्योंकि आजकल ये घटनाएं दिन प्रतिदिन हो ही रही हैं और लॉकडाउन अभी चले हुआ है पूरी, और इसमें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा भी अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, सफ़र करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को सेफ रखें। तो आपने देखा किस तरीके से एक लूट की वारदात सामने आई है, जी हाँ 30,000 रुपए जो है उड़ा लिए जाते हैं। सतर्क रहें जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों हमारा निवेदन यही है कि आप सतर्क रहें क्योंकि करनाल में लगातार लूट की वारदातें बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप बने रहिएगा करनाल News 24।